अम्मी अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? अम्मी आप ये कैसे भूल गई? महल में नौकरी का मतलब शहजादी यास्मीन के करीब पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? अलादीन, महल का नाम सुनकर ना घबराहट हो रही है। दिल नहीं मान रहा तो ये नौकरी मत कर, कोई और ढूंढ ले। अम्मी आप ही तो कहती है ना, जिसके इरादे नेक हों और दिल सच्चा उसे कोई नहीं हरा सकता। आप मेरी फिक्र मत कीजिए अम्मी। तो फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये बताओ कि नेक इरादे वाला सच्चे दिल वाला है कौन? मैं हूं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं अम्मी? अम्मी मुझे हमारी जिंदगी बेहतर बनाने का और शहजादी के करीब पहुंचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मुझे महल में नौकरी करने दीजिए ना। समझ नहीं रहा है अलादीन, महल में सच्चाई की और ईमान की कोई कद्र नहीं है। मेरे अब्बू भी ईमानदार थे, सच्चे थे, पर क्या हुआ उनके साथ तू जानता है ना। अम्मी अगर मुझे महल में नौकरी मिल गई तो शायद मैं इस राज से भी पर्दा उठा पाऊं। अब्बू पर किसने और क्यों इल्जाम लगाया था? हमारे जहन में जो सवाल बरसों से हैं, उसका जवाब भी हमें महल में ही मिलेगा। हाँ अम्मी, अगर आपकी दुआएं साथ हो तो कोई भी जंग लड़ सकते हैं। ये तो महल की नौकरी है। तूने पक्का इरादा कर लिया है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। बस ये कहूंगी कि मेरी दुआ तेरे साथ है। अम्मी मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कल बगदाद में बहुत बड़ा मुकाबला होगा। पूरे बगदाद से लोग आएंगे मुकाबला करने, और जिसकी अकल, ताकत और तलवारबाजी चमकेगी उसी को चुना जाएगा। तलवारबाजी? पर तुझे तो ये सब आता नहीं है। आता नहीं है तो क्या हुआ अम्मी, सीख लूंगा। कल तक का वक्त है, जान लगा दूंगा अपनी। अम्मी आपको पता नहीं मेरी तलवारबाजी कमाल की है। मेरे तलवार के एक वार से उड़ते हुए मच्छर की मूंछ काट देता हूँ, और घुड़सवारी तो इतनी कमाल की करता हूँ कि घुड़सवारी करते करते घोड़ों का वजन कम हो जाता है। शेख जी नू, आपकी बकवास बंद हो गई हो तो मेरी मदद कीजिए और चलिए यहाँ से। अरे रुको रुको, मैं तुम दोनों को खाने का डब्बा दे देती हूँ, समय पर खा लेना नहीं तो। अम्मी अम्मी आप ठीक तो हैं? अम्मी आपको आराम की और ज्यादा जरूरत है। नहीं मैं ठीक हूँ। अम्मी आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम वक्त जाकर खाना खा लेंगे, आप आराम कीजिए। अम्मी आपको मेरी कसम। हाँ अम्मी मेरी भी। ठीक है जाओ और अच्छे से तैयारी कर। आराम कीजिए अम्मी, चलो। लगता है आज आप हमसे हारने वाले हैं। अब चलिए अपनी अग्नि चाल चलिए। अब वो अपनी अगली चाल चलिए। हमको हार को जीत में बनाना आता है शहजादी। अबू ये गलत बात है, आपने गलत चाल चली है। गलत चाल? हाँ अबू, घोड़ा हमेशा 2.5 कदम आगे चलता है, आपने घोड़े को हाथी की तरह एकदम सीधा चला दिया।
अबू आपने ही तो हमें शतरंज खेलना सिखाया है, तो आप अब शतरंज खेलना कैसे भूल गए? चिलगोजा चिलगोजा, हमने आज तक सांप सीढ़ी नहीं खेली, इस शतरंज कहां से आती होती? शहजादी, घोड़ा ढाई कदम चलता है तो हम ये लंगड़े घोड़े से जंग कैसे जीतेंगे? हमें हिंदुस्तान से हाथी खरीदने चाहिए। अबू आप ना बहुत मजाक करने लग गए। लगता है हमें आपसे शतरंज सीखनी पड़ेगी। सलाम बादशाह सलामत। सलाम शहजादी, सब तैयारियां हो चुकी है तो चलो आइए। अबू कहाँ आइए? अबू हम भूल गए, जुम्मे के दिन हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब वो बहुत मजाक हो गया, जुम्मे के दिन हम जरूरतमंदों को खैरात बांटने जाते हैं ना। चलिए जल्दी, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। यहाँ सबसे बड़ा जरूरतमंद तो हम होती। शहजादी, हम ये नेक बात आपके मुंह से सुनना चाहते थे, हमें सब याद है। चलिए बीबी, छा गई गरीबी। आका ये सब कहां से लाए? ये सब कुछ मैंने मुस्तफा चाचा की दुकान से उठाकर लाया हूँ। जिनू ये सारा सामान तैयारी का सामान है, महल के सिपाही भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके जंग में तालीम हासिल करते हैं। मैं भी यही करूँगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन एक दिन में एक जाबाज सिपाही बनकर रहूंगा। आका एक दिन में घास तो उगती नहीं, तुम एक दिन में जाबाज सिपाही कैसे बनोगे? जिनू अर्ज किया है, हम घास नहीं घोड़े हैं और हमने कई रास्ते छोड़े, अब मतलब मोड़े। मेरा शेर कैसा लगा? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मन कर रहा है तुम्हें शेर के कत्ल में गिरफ्तार कर लूं। जिनू तुम बहुत बुरे हो, जिनू तुम मेरे शेर की तारीफ नहीं करते, तुम मेरे भाई नहीं हो, हटो यहाँ से। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, हम यहाँ पे शेर उशारी करने नहीं तैयारी करने आए हैं। तुम मुझे ये बताओ मुझे क्या करना है? जिनू हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। औरत? तुम बताओ मैं क्या करूं? जी ओ जी सुनो जी। जिनू मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है और मेरे पीछे मेरी अम्मी है, और हर कामयाब आदमी के पीछे उसका एक उस्ताद भी होता है। तो तुम मेरे उस्ताद भी हो, दोस्त भी हो, सब कुछ हो। आज से मेरे उस्ताद बनके मुझे सब कुछ सिखा दो जिनू। मैं दर्द के मारे चीखूं चिल्लाऊं बेहोश हो जाऊं, लेकिन मुझे रुकने मत देना। सोच लो, अलादीन नाम तो सुना होगा। सोच गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर पड़ जाते हैं जिनू, और ये दिल का मामला है, और मेरा दिल तो शहजादी यास्मीन है। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ठीक है तो मैं तुम्हारी जान निकाल के रहूंगा, मेरा मतलब है तुम्हें तैयार करके रहूंगा। ठीक है जिनू, तो मैं भी तैयार हूँ। हाँ, चलो फिर, चलो चलो जल्दी कराओ, लंगड़े कछुए भी तुमसे तेज भागते हैं, जल्दी भागो। और तेज और तेज। अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, आओ तो मेरा बटवा टूट जाएगा, मेरे बच्चे। हाँ। देख लीजिए अम्मी अब्बू, भाई मेरा भाई महल के हिफाजती टुकड़े का सिपाही बनने की तैयारी कर रहा है। कसम सोने की अशर्फियों की, हमारे पेट में जंग छिड़के, खुद जंग की तैयारी। न जाने कैसे लड्डू खिला दिए शेख चीनों ने। मजूद
कुछ भी हो जाए, अलादीन को महल में सिपाही की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अरे मिलेगी कैसे मियाँ? ये नौकरी तो उसी को मिलेगी जो इस नौकरी के लायक होगा। ऐसी तुच्छ सी नौकरी कौन करेगा अम्मी? अरे मेरे मलाई मक्खन, मेरे सीख पराठे, तू इसके लायक है और कौन? क्या मजाक कर रहे हो अम्मी? गुलबुदन ऐसी मुलाजिमों वाली नौकरी करेगा, मैं नहीं करूंगा। अरे गधे के बच्चे, वहाँ नौकरी करेगा तो महल में जगह मिलेगी, और एक बार महल में चला गया तो तुझे कोई नेक हसीन मतलब कम खाने वाली किसी शाही लड़की को अपना बना लेना मेरे बच्चे। माचिस के डब्बे की आखिरी तिली ज्यादा फुटके ना तो यही जला के राख कर दूंगी। मैं समझ गया अम्मी अबू, आप वो टिड्डी की बात कर रहे हैं ना? इतना समझदार है मेरा बच्चा। कोयले की राख चांदी की चमक क्या जानेगा मेरे बच्चे, मैं शहजादी यास्मीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी अच्छी है। उल्लू बेटा, मेरे पेट में लड्डुओं की जंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन असली जंग तुझे जीतनी है। और खबरदार, अलादीन इस टुकड़ी में शामिल नहीं होना चाहिए, तुझे तेरी अम्मी का वास्ता, तेरी अम्मी का वास्ता। हम यूं गए और यूं आए, कहां चल दिए? पता नहीं अम्मी अबू ने कौन से हलवाई के लड्डू खा लिए। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ खा के आता हूं। मोड़ने वाले रास्ते पे लेटते नहीं है, उठो जल्दी करो, चलो चलो उठो, हमारे पास वक्त नहीं है। चिनू थोड़ी सांस तो लेने दे भाई। चिनू नहीं, उस्ताद कहो, और उस्ताद ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। साची तलवारबाजी कर लेते हैं, तलवारबाजी कर लेते हैं, ये फैसला चेला नहीं उस्ताद लेगा। बैठे की तुम उस्ताद नहीं बगदाद के बादशाह हो गए हो। मैं तुम्हारा आका हूं ना, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अब तलवार बाजी की जाएगी। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, जो हुक्म मेरे आका। वहां कोई है, हम उस तरफ नहीं जा सकते। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, तलवारबाजी में ताल से ताल मिलानी होती है, और दुश्मन जैसी हरकत करे वैसे अपने कदम बढ़ाने चाहिए, और अगर जंग में जीतना हो तो एक कदम आगे रहना होगा। जिनू जिनू बता के तो मारो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, जंग में कोई बता के नहीं मारता। आका उछल कूद बंद करो, तलवारबाजी करो। ठीक है, माफ कर दो। जिनू जिनू आराम से आराम से। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम्हें यहाँ पे ये डंडी लग गई, सोचो वहां भी क्या करोगे। वहां वहां मैं मर जाऊंगा और क्या। जिनू ये लकड़ी से मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, और वहां वहां मेरे सामने तलवार होगी, मैं ऐसे नहीं जा सकता। हाँ बात तो सही कह रहे हो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, अगर मैं तुम्हें जिरा बख्तर और तलवार ला दूं तो इससे तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी और तुम बच भी जाओगे। ऐसा हो सकता है? हाँ। तो फिर क्या क्या बात है, तो फिर जल्दी करो अभी लो। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, घोड़े को थोड़ी सी घास खिला दूं, आका के लिए लिबास ला दूं। जिनू
तुम्हारा जादू फिर से आधा हुआ। कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। आते बाते दही से टाके जादू वाले चले पटाके, अपनी नाक कटने से बचाना है, आका का पूरा लिबास लाना है। जिनू, मुझे शहजादी के करीब पहुंचना है, शहजादी नहीं बनना। कोई बात नहीं आका, गलती हो गई, सारा सामान इधर उधर ही है, मैं लाता हूँ। जिनू, देखा मेरा कमाल, अब ऐरे गेरे क्या, चंगेज खान की तलवार भी इस चिरे बग को काट नहीं सकती। चलो। सुभान अल्लाह, क्या जीरा बख्तर, इसे बहन भी तो आदमी जंतु वही खत्म। इसे मुझे भाई मेरे भाई से चुराना ही होगा, भाई मेरा भाई। अब हुजूर, हमें लगता है कि बगदाद की आवाम के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का इंतजाम करना चाहिए, ताकि बगदाद में कोई भी जरूरतमंद किसी भी मुश्किल में ना। हम इस बारे में जरूर अमल करेंगे। बामुलाइजा होशियार, बगदाद के शान तख्त बादशाह सलामत और बगदाद की अजीम शहजादी यास्मिन तशरीफ ला रही हैं। शाही रिवायत के मुताबिक पहली खैरात आप पेश करेंगे अब्बा हुजूर। हाँ, जरूर। बैठे अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है? अलादीन और जीनू भी आए नहीं अभी तक, मैं खुद ही जाकर उन्हें खाना दे आती हूँ। मेरे गांव में एक अंधा पुला था, उसका निशाना भी तुमसे अच्छा था। ध्यान से। संभाल क्या का? ऐसे निशाना लगेगा तो खाक में महल या शहजादी की हिफाजत कर पाऊंगा। जब मैं एक जिन बन सकता हूँ और मुझे मैदाने जंग का इल्म हो सकता है, तो तुम एक महल की हिफाजत नहीं कर सकते। ध्यान से काम करो, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। उठो, ध्यान से। भाई मेरे भाई, मेरे हसीन हुस्न और मलाई जैसे इस चेहरे को इस जीरो बख्तार की तुमसे ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी अम्मी अबू ने तुम्हारा खेल बर्बाद करने के लिए भी तो बोला है। बस तुम्हारी कमी थी गुल्लू। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम अपनी तैयारी करते रहो, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? बस आता हूँ। संगे अलीजा काले चोर के रखवाले के बहुत करीब पहुंच चुका है।
जनाब आखिर मसला क्या है, हमारी तलाशी क्यों ली जा रही है? आप औरतों की तलाशी इस तरह से नहीं ले सकते। हमें काम पे पहुंचना है जनाब, थोड़ा रहम करो ना। खामोश, अपनी जुबान पे लगाम दो। हमारे खिलाफ आवाज उठाना यानी सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाना है। चुपचाप अपनी अपनी तलाशी दो वरना गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए जाओगे। अलीजा को लगता है तुम्हारे आदमियों ने बगदाद के मगरिबी इलाके को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। हमें यकीन था कि हो न हो तुम जरूर कामयाब होंगी। हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। बस एक बार उस काले चोर का रखवाला हमारे हाथ लग जाए तो जादुई चिराग भी हमारा हो जाएगा। जाल तो बिछा दिया है, बस अब इंतजार है रखवाले के फंसने का। एक भी इंसान बिना तलाशी के जाने ना पाए। चलो आगे, चलो फटाफट। चलो आगे। रुको, तुम बिना तलाशी दिए जा नहीं सकती। तलाशी? हाँ, सूबेदार अकबर का हुक्म है, तुम हमारे साथ चलो। अलीजा को लग रहा है तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो। काले चोर का रखवाला तुम्हारे बिछाए जाल के बहुत करीब है। संज्ञा लीजा चमक रहा है। Thank you.
मदद। वहां से निकल गए, अब महल पास था। हमारी शहजादी थी, यास्मीन मेरी बच्ची। जब पता लगेगा कि मैंने भाई मेरे भाई का जीरा बख्तर चुराया तो उन्हें मुझ पर कितना फख्र होगा। अम्मी कहेंगी, कसम सोने की अशर्फियों की, मेरा बेटा तो मेरी तरह ही छोटा निकला। छोटा। और अब्बू कहेंगे, बहुत अच्छे गधे के बच्चे। मेरे प्यारे गुलगुले, चोरी की है तो अब तुझे सजा तो मिलेगी। बातें खाना खा के घर जाओ मेरे प्यारे गुल्लू, डर जाओ। ये तो यहाँ पर था, मेरे सर पे कैसे आया? कौन है? किसने मारा? पीछे से क्यों मारते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। मैंने तो सुना था कि जंग में सिपाही अपना जीरा बख्तर भूल जाते हैं, लेकिन ये कैसा जीरा बख्तर है जो अपना सिपाही भूल गया? भूत, भूत, शेख जी ने भूत, ये भी भूत, कितने सारे भूत मेरे पीछे ही भूत, 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 अम्मी! पर
पड़ा आया मेरे आका का जीरे बख्तर चुराने वाला, अब डर के मारे दो दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। आका जिनू, ये जीरा बख्तर साथ तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इसे तुम्हारे हिसाब से ठीक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हमें चलना चाहिए, अम्मी हमारा इंतजार कर रही है। हाँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, चलो चलो। यास्मीन मेरी बच्ची। चुप, क्या कर रहा बुड्ढे तू? अरे शहजादी का नाम नहीं लेते, हट, नाम ले रहा तू, चल चल निकल। आपने मैं पहचाना नहीं। तू कौन सा मेरा चाचा लगता जो तुझे पहचानूं? एक काम कर, अगले हफ्ते आना खैरात लेने के लिए, चल लेके चल 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 चल। भिखारी कहीं का? हमें गौर से देखो, बादशाह शाहनवाज है, शहजादी के पास ले चलो। ओहो, आप तो बादशाह सलामत हैं, लेकिन पगलापुर के हम सचमुच के बादशाह। अरे हमारे बादशाह सलामत तो वो रहे, उधर देख शहजादी के साथ। चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो धक्के देके निकालूंगा। बनाया बादशाह बनने, हम ही बादशाह हैं। अच्छा? अरे किसी कीमत पर शहजादी तक पहुंचना होगा। आपने अम्मी को देखा क्या? चाचा, आपने अम्मी को देखा यहाँ से जाते हुए? जी मैंने नहीं देखा। आपने अम्मी को देखा क्या? नहीं। चिनू, पूरा घर छान लिया, यहाँ पे भी देख लिया, अम्मी मुझे कहीं नहीं दिख रही है। आखिर अम्मी गई तो गई कहाँ? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। चिनू, आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, अम्मी तो मिल गई, लेकिन ये महल के सिपाही अम्मी को कहाँ और क्यों लेके जा रहे हैं? हमारी बात ना मानने का अंजाम जानते हो? तुम्हें हमारे साथ तलाशी के लिए आना ही पड़ेगा। जनाब मैं आपका हुकुम नहीं टालना चाहता, लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे भी नहीं पता जी, जो भी हो हमें अम्मी को इन सिपाहियों के चुंगल से बाहर निकालकर घर ले जाना होगा। बस इतनी सी बात, मैं अभी जादू से अम्मी को हमारे पास ले आता हूँ। नहीं नहीं जिनू, तुम इतना जादू मत करो। हाँ, फिर से कोई गड़बड़ कर दिए तो मैं जाकर अम्मी को लेके आता हूँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। रुको, तुम्हें तो मैं अपने साथ लाया नहीं, कौन हो तुम? रखवाला हमारी ओर ही बढ़ा आ रहा है, हमें एहतियात बरतना होगा। सिपाही अशरफ, जल्दी जल्दी तलाशी लो।
जफर मुबारक हो। अलीजा को लगता है कि अब काले चोर का रखवाला तुम्हारे बिछाए जाल के बहुत करीब है और तुम्हें उस जादुई चिराग को पाने के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना हो। हमारी किस्मत में हमने सिर्फ जीत लिखी है, अब उस काले चोर और उसके रखवाले के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हुजूर, मैं गरीब, मैं बहुत गरीब हूँ, वो गरीब हूँ जो अपने बच्चों को बढ़ती गर्मी में पहाड़ पर नहीं बल्कि गंजा करवा देता, वो गरीब जिसके ख्वाब में बिरयानी नहीं बिरयानी की खुशबू आती, वो गरीब जो कड़ी मेहनत करने के बाद पसीना बहाने के बाद जब कामयाबी कदम चूमने आती तो उसके मोजों की खुशबू से वहीं बेहोश हो जाती। हाँ हाँ पता है तू बड़ा गरीब है, लेकिन ये सब हमें क्यों बता रहा है? इसलिए कि इतना गरीब होने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मैं इन गरीबों के दिल से आपके लिए नफरत मिटाना चाहता हूँ हुजूर। देखिए भाइयों, आप ही बताइए, अगर कोई आदमी अपने कुत्ते को किसी के ऊपर भौंकने को कहे तो इसमें उस आदमी की गलती है या उस कुत्ते की? मालिक की, कुत्ते की, इसमें कोई गलती नहीं है। तो बस इसी तरह भाइयों, इन सिपाहियों की भी कोई गलती नहीं है। भाइयों, तू हमारी बेइज्जती कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कभी नहीं कर सकता हुजूर, कभी नहीं। आप नहीं नहीं नहीं, देखा गरीब होकर भी कितना समझदार है, और तुम लोग? अलादीन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ कैसे? अम्मी, माँ सभी चुप रही है, आइए मेरे साथ। रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए ज्यादा देर तक ये यहाँ नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए मैंने यहाँ से ले जाने आया हूँ। बिना तलाशी के जाना है ना, तो हमें नजराना देना पड़ेगा। हुजूर, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो मैं आपके लिए मुफ्त में कर दूंगा। ये भी ठीक है, क्या काम करते हो? अब कब्र खोदता हूँ, अल्लाह कसम आपकी कब्र मुफ्त में खोद दूंगा। चुप, बेवकूफ कहीं का, चल भाग यहाँ से। बाकी के खैरात सब में बंटवा दीजिए। जी सर। जी, चलिए अब। शुक्रिया। अम्मा, अबू, शहजादी, हम सोच रहे थे कि अब हमें वापस चलना चाहिए। जी चलिए। यास्मीन, अम्मी आप वहाँ क्या कर रही थी? हम दोनों आपको कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ अम्मी, मैं तो जान निकल गई थी। मुझे सच में याद नहीं है कि मैं वहाँ कैसे पहुंची। आपको याद नहीं? आपको सिपाही लेकर जा रहे थे, आपको ये बात याद नहीं? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आपको ये तक पता होता है कि मेरे कौन से कच्छे में कितने छेद हैं, तो आप ये बात कैसे भूल सकती हैं? वो क्यों नहीं भूल सकती, आखिर अम्मी तो तेरी ही हूं ना। अम्मी, लगता है आप इसका कोई किस्सा बताना चाहती हैं। हाँ जीनू, पता है एक बार मैं इसे अपनी सहेली बानू की बेटी के निकाह के लिए लेकर गई। हाँ। जैसे हम वहाँ पहुँचे, बानू अपनी बेटी को बाहर लेकर आई, ये कहता है कि सालगिरह मुबारक हो, भूल ही गया कि उसके निकाह के लिए गए थे। अम्मी, वो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा? मैं नहीं मानता। अम्मी, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। पता है पिछले हफ्ते जब हम लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, तो
एक दुकानदार ने इसको तो एक दुकानदार ने इसे नौकरी दी, कहा कि तुम मेरा सारे सामान को बेच देना और मैं जा रहा हूँ दोपहर का खाना खाने। इसने दुकान का सारा सामान बेच दिया, लेकिन जब दुकानदार वापस आया तो उसने देखा कि इसने लोगों से पैसे ही नहीं लिए, भूल गया पैसा लेना और उसने अपना सर भटक लिया। ये तो लाखों में एक है। चलिए चलिए, लेकिन अब महल का रखवाला बनने वाला है, अब शायद भूलना बंद कर दे। इतनी खतरों से भरी नौकरी क्यों करनी है तुझे? एक ही दिन में क्या तैयारी की होगी तूने मुकाबले की? तुझे अगर कुछ हो गया तो? अम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। आपको पता है जिन्होंने ने मेरे लिए बहुत मजबूत और नया जीरा बख्तर का इंतजाम किया है। हाँ, अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अरे कह रहे क्या, चंगेज खान की तलवार भी टूट जाएगी लेकिन उस जीरा बख्तर को एक खरोच भी नहीं आएगी। आप घर चलिए, मैं आपको जीरा बख्तर दिखाता हूँ। अलीजा जान बन के जान लेती है और तुम यहां छुप के बैठे ताकि तुम्हारा चेहरा किसी के सामने ना आए। खामोश रहिए, खामोश रहिए, हमारी हार का जिम्मेदार जितना ये है। इतनी तुम भी हो, अब तुम्हें पता चलेगा कि जफर को और से कितनी नफरत है। ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? ये कौन सी जगह है? अम्मी अब मैं नहीं बनने वाला, आप मजाक कर रही है ना, मजाक कर रही है ना। अम्मी पकड़ी गई। हाँ अम्मी पकड़ी गई आप। पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये कौन सी जगह है। अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, ये हमारा घर है। चिनू अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी आपको हकीम साहब के पास ले जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आप चीजें भूल रही हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। खड़े हो, भूख लगी होगी ना, मैं कुछ बना देती हूँ, जल्दी आओ खा लो। अम्मी लगता है तैयारी से अभी वापस आए। गुल्लू बता रहा था कि अलादीन के हाथ कोई नायाब जीरे बख्तर लगा है, हमें वो जीरे बख्तर चुराना है हमारे गुल्लू के, समझे? निगम, मेरे पेट में तो फिर से जंग छिड़ गई, मैं चला। इतने से पेट में इतने सिपाही आए कहां से, बार बार जंग छिड़ जाती है। आजा।
आदमी। कौन आदमी? बेगम, ये दोनों तो गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं, रुखसार भी नहीं दिखाई दे रही। कसम सोने की अशरफियों की, यही मौका है जरा बख्तर चुराने का। चलो चल। सार कटोरी का क्या करेगी, ये तो नाज़नीन के काम आएगा। कुछ तो मिला। बेगम, जरे बख्त आ तो हटो। वाई 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 सम सोनी के शर क्योंकि सिरा बख्त मैं पहन हम चल दो। बेगम, बेगम थैले में क्यों रख रही है उसको, ताकि किसी को पता न चले कि इसने जरा वक्त कर नहीं है। तो मैं ओढ़ूंगा क्या? इतने से बदन पे रुमाल ओढ़ के सो जाओ, कंबल ओढ़ेंगे। चले आ। चलो जरा वक्त कर। मेहंदी लगी जल्दी करो ना करो। अलीजा जान बन के जान लेती है। तुम्हारे सूबेदार के सामने से काले चोर का रखवाला निकल गया, लेकिन वो अलीजा से नहीं बच सकता, और अब तो और भी नामुमकिन है। मतलब काले चोर के रखवाले की रगों में खातूबा का जहर मिले एक दिन हो चुका है। जैसे जैसे उसमें जहर का असर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें अलीजा का एहसास बढ़ता जाएगा। मतलब अलीजा उसके और करीब बढ़ते जाएगी, और जल्द ही वो अपनी सारी याददाश्त भूल के एक चलती फिरती जिंदा लाश बन जाएगी। अब आगे काले चोर के रखवाले का वजूद मिटने में अभी 6 रोज बाकी है। मतलब हमारे पास उस तक पहुंचने के लिए
काफी वक्त है। वक्त है लेकिन हमें किसी पर यकीन ही नहीं रहा। अफसोस, कोई इतना काबिल मिला ही नहीं जो जफर के काम आ सके, सिवाय तुम्हारे। अपनी अगली चाल के बारे में सोचो जफर। कोई चाल नहीं, हमने फैसला कर लिया है। अब हम खुद उस काले चोर के रखवाले को अपनी हिरासत में लेंगे। आप लोग रुखसार बहन, मुझे माफ कर देना। कसम सोने की अशरफियों की, इस दौलत के भूखे इंसान के चक्कर में आके मैंने ये जीरा बख्तर ले लिया। क्या करूं बहन, जब से इनसे निकाह हुआ है मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है। न जाने कब निजात पाऊंगी जलील इंसान से। मैं नहीं जानती आप ये जीरा बख्तर की बात कर रही हैं। कसम सोने की अशरफियों की, लगता है रुखसार को इस जीरा बख्तर के बारे में पता ही नहीं। रुखसार बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने जीरा बख्तर खरीद लिया। देखो ना बहन, ये बदन और जीरा बख्तर पहनना चाहते हैं। घर में गोश्त खरीदने के पैसे नहीं, देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। और ये तभी इन्हें यहाँ ले आई, तुम ही समझाओ इन्हें। माफ कीजिएगा मुझे, पर मैं नहीं जानती आप लोग कौन हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती। इस तरबूज के सूखे हुए बीज को नहीं जानती और इस जीरा बख्तर के बारे में भी नहीं जानती। ठीक है तो फिर, ठीक है। कोई किसी को नहीं जानता। कसम सोने की अशर्फियों की, रुखसार ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। बेगम, इसकी दो वजह हो सकती है। क्या? या तो वो नींद में चल रही है, या फिर हमसे इतनी नाराज है कि हमारे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। सारी चारागरी यहीं कर लो। हैं? अरे हमें क्या, हमें ये जीरा बख्तर चाहिए था हमारे गुल्लू के लिए, वो मिल गया। अब हमारा काम हो गया। अब ये जाने न जाने, पहचाने न पहचाने, चल एक बार मैं भी पहनूं। चल चल। कदरदान मेहरबान, आप सभी का इस्तकबाल है आज बगदाद के सबसे अजीम मुकाबले में। जिसे जीतने वाला बनेगा महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। आज यहाँ बगदाद के जवान नौजवान एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, क्योंकि इस नौकरी को पाना हर नौजवान का ख्वाब है। इनाम तो सुना होगा, एक नौकरी के लिए इतनी मेहनत। इनाम भी तो बड़ा है जिनू। अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं अपनी अम्मी को बड़े हकीम के पास ले जाकर इलाज करा सकता हूँ, समझे? इसलिए नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। नौकरी पक्की तो तनख्वाह पक्की, महल का रखवाला बगदाद का रखवाला। कम आगे कम ताकत और कम जज्बे वाले इस मुकाबले का हिस्सा ना बने, और देखने वाले अपनी जगह पर चुपके से बैठ जाए, क्योंकि अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हमारे दोनों नौजवान तलवारें लेकर तैयार हैं। बगदाद जिंदाबाद। नाम तो सुना होगा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं चीनो, ना तलवार की धार से ना तीरों की बौछार से अलादीन डरता है तो बस चप्पलों की मार से, परवरदिगार से। और मेरा परवरदिगार तो मेरी अम्मी है।
तू अगर ये मुकाबला जीत गया ना तो शीर कोरमा बनाऊंगी तेरे लिए। मल्ला मल्ला बीबी, छा गए गरीबी, इतने दिनों बाद शीर कोरमा। सुनो, फिर तो तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा। अरे फिक्र मत करो जिनू, तुम्हें शीर कोरमा जरूर मिलेगा। आखिर तुम्हारा दिया हुआ तोहफा भी तो है। कसम सोने की अशरफियों की, ये अलादीन अब भी इस मुकाबले को जीतने के ख्वाब देख रहा है। अम्मी, आपने और अब्बू ने तो मेरे सारे ख्वाब ही तोड़ दिए। मुझ जैसे हुस्न के मालिक बगदाद के चांद को आप रखवाले बना के रखना चाहते हैं? ओ बगदाद के सांड, ये कोई ऐसा वैसा रखवाला नहीं है, महल का रखवाला है। महल में जाके तुझे क्या करना है पता है? किसके दिल में जगह बनानी है तुझे? बिद्दी के। बहुत अच्छे गधे के बच्चे। इतनी सी बात तेरी अकल में नहीं आ रही? तू महल में पिद्दी के लिए नहीं, शहजादी यास्मीन के लिए जा रहा है बेटा। चलास, चलास, पटक दे। अम्मी, आप अपने चांद के टुकड़े को इस पहाड़ के नीचे लाना चाहती हैं? अरे नहीं मेरे कुल्लू बेटा, कोई तेरा बाल भी नहीं बाका कर सकता क्योंकि तेरे पास जीरा बख्तर है। और आगे क्या करना है ये तो तुझे पता ही मेरे बच्चे, है ना? अलादीन, देख, कोई भी नौकरी, कोई भी ऐशोआराम तुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। अभी भी सोच ले, तुझे कुछ हो गया तो। अम्मी, मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, मुझे बचाने के लिए मेरे पास कंबल बचाएगा। हाँ, कंबल। हाँ, बेटी के तुम जीरा बख्तर कहाँ गया? शहजादी, जब से आप जरूरतमंदों को खैरात बांटकर लौटी है तब से बहुत परेशान नजर आ रही है, क्या हुआ? दीप, हमने कल कुछ ऐसा देखा जिसपे यकीन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमने कल भीड़ में किसी ऐसे शख्स को देखा जो बिल्कुल हमारे अब्बू जैसा दिखता है। वही आवाज, यास्मीन, वही चेहरा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह सलामत तो आपके साथ थे ना, आपने उन्हें भीड़ में कैसे देख लिया? हो सकता है कि आपको धोखा हुआ हो। हो सकता है पिति, लेकिन उस शख्स को देखकर हमें ऐसा क्यों लगा? क्यों उलमा भूल नहीं पा रहे? हमने देखने की कोशिश की थी लेकिन तब तक वो वहां से चला गया था। हो सकता है हमें धोखा हुआ हो सकता है अब्बू के बदले मिजाज की वजह से हम बहुत परेशान हैं। लेकिन ऐसा क्यों बिद्दी? एक लम्हा अब्बू हमें इतना डांट देते हैं और दूसरे ही दिन हमें जरूरत से ज्यादा प्यार जताते हैं। शहजादी, अगर आप बुरा ना माने तो हम बादशाह सलामत के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ पिद्दी, बोलो, बादशाह सलामत के बारे में क्या कहना चाहती तुम? बोलो। वो मैं, बोलो पिद्दी, क्या कहना है तुम्हें? शहजादी, आपको याद है पिछली सालगिरह पे आपकी नानी जान ने आपको एक सोने की अंगूठी दी थी?
हाँ वो अंगूठी हम कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रही। अंगूठी के बारे में क्या बोलना चाहती हो तुम? वो आप और बादशाह सलामत उस दिन शतरंज खेल रहे थे तो आपकी अंगूठी मेज पर पड़ी थी। हमारी अंगूठी मेज पर पड़ी थी तो क्या पिद्दी, आगे क्या हुआ बोलो। वो मैंने बादशाह सलामत को दी, हमें बताओ क्या हुआ है बोलो। मैंने उन्हें वो अंगूठी चुपके से जेब में डालती हुई देखा। क्या हो सकता है? शायद मेरा वहम हो। नहीं वहम हो क्या? वहम ही है, वहम ही है। वहम है तो वहम को दूर करना बहुत जरूरी है। हमें अभी अबू से जाके बात करनी होगी। जिनू? हाँ। चिरा बख्तर कहाँ गया? पिटेंगे तुम? कसब हो जाएगा। मुकाबले में कंबल ओढ़कर जाने का मतलब समझते हो? यही कि सर्दियों में जिरे बख्तर पहन के सोना पड़ेगा। चुप हो जाओ जीनू, इस मुकाबले में मेरी टाई बोल जाएगी। अम्मी अम्मी, आपने कहीं जिरा बख्तर तो नहीं रख दिया था ना? किस जिरा बख्तर की बात कर रहा है? मैंने तो कोई जिरा बख्तर नहीं देखा। अम्मी, जिरा बख्तर जो मैंने आपको दिखाया था। तूने मुझे कोई जिरा बख्तर दिखाया होता तो मुझे याद होता ना। वाह क्या मारा है! और इसी के साथ चीज बहुत मियां के नाम और जुन्नू मियां का बिगड़ गया काम। कि तुम जिनू, गजब हो जाएगा। पहला मुकाबला खत्म भी हो गया, कहीं दूसरे मुकाबले में मेरा नाम आ गया तो। अम्मी अम्मी, याद करने की कोशिश करिए कि आपने जिरा बख्तर कहाँ रखा। मैंने जैसे कहा ना, मैंने कोई जिरा बख्तर नहीं देखा। बार बार बताना पड़ेगा क्या? अल्लाह हबीबी छा गई गरीबी। अम्मी माफ कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब है और मैं आपको परेशान कर रहा हूं। अम्मी और अब अगले मुकाबले के लिए जो जो जाबा जा रहे हैं उनके नाम है परवेज मियां और गुलबदन मियां। मेरा चाहन का टुकड़ा, मेरा लगते जिगर। ऊपर वाले, इस दुश्मन की तलवार से इसकी हिफाजत करना। बेगम, हर काम में बेहतरी होती है।
अगर ये गधे का बच्चा जीत गया तो जीत गया, और अगर किसी की तलवार लग गई तो इसके जिस्म में लोहे की कमी दूर हो जाएगी। चिटके दिल ही काले, वो कभी अपना अच्छा नहीं कर सकते। आग लगाई भी तो किसने? अपनों ने। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो अलीजा, चल जाओगी। आग से खेलने वाले चलने से नहीं डरते। हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं जफर। कुछ नजर आया। क्या? तुम्हें जान के हैरानी होगी कि काले चोर का रखवाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। जिसके गले पे खतूबा के काटने का निशान है। आदमी हो या औरत, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये बताओ कि हमें वो मिलेगा कहाँ। अलीजा को ऐसा लगता है कि इस वक्त वो रखवाला जिस इलाके में है उसे अलसुक कहते हैं। शुक्रिया अलीजा, बस सब इंतजार है खतूबे के निशान के चमकने का। ऐसा होता ही हमारे आदमी उसे गिरफ्तार कर लेंगे और फिर काला चोर अपने घुटने टेक कर हमें हमारा जादुई चिराग ला कर दे देगा। ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। हमारी काबिलियत पर शक कर रही हो? शक नहीं, पूरा यकीन है हमें कि तुम उस निशान को नहीं देख पाओगे। मतलब? मर्द होके औरतों की तलाशी कैसे लोगे जफर? तुम अब तक हमें जानती नहीं हो अलीजा। हम अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।